यहाँ पे हमारी हांडी जो है पूरी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। Hey guys, welcome back to our new video. तो guys, आज हम आ गए राजू भाई के तारा मंडल वाले चंपारण मीट हाउस पे। तो guys, ये देखिए पुराना असली इहे बा चंपारण मीट हाउस। राजू भाई के यहाँ जाएंगे, मीट चावल खाएंगे, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे, ये राजू भाई कह रहे। तो चलिए इनके जो है अहुना मटन की मेकिंग देखते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। आप लोग तो बताते हैं कैसा है इनका अहुना मटन। तो चलिए इनके अहुना मटन की मेकिंग देखते हैं। तो ये देख सकते गाइस, हमारी हांडी को जो भरने का तरीका स्टार्ट हुआ। कितना केजी मटन लगा रहे भैया इस बार? डेढ़ किलो देंगे। डेढ़ किलो में कितना प्याज डाल रहे हैं? 750 ग्राम। डेढ़ केजी जो मटन में है गाइस, 750 ग्राम प्याज डाला जा रहा, वो भी पूरे वेट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद डाला गया है नमक। ये क्या डाल रहे हैं भैया? मसाला। कौन सा मसाला मिक्स रहता है इसमें? ये जो है गाइस होममेड गरम मसाला है। ये देखिए गाइस, हांडी में जो है तेल को पहले से बॉईल किया रहता है या कच्चा तेल रहता है? तेल को जो पहले से पका लिया जाता है। अब ये देखिए इसमें प्याज में डाला जा रहा है तेल। ये देखिए मटन को जो है वेट करके डाला जा रहा है। इसमें डाला गया हमारा मटन, 700 ग्राम प्याज, 1.5 kg मटन। उसे अच्छे से मिक्स किया जाएगा सारा मसाला डाल के। सारा मसाला जो है अंकल इसी में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद फिल किया जाएगा हमारे हांडी में। ये देखिए कितना देर में पक जाता है ये हांडी में? एक घंटा। पूरा है, पूरी एक घंटा लगता है इसे पकने में। ये देख सकते हैं हमारा हांडी जो है कंटिन्यू बनते फिल होते जा रहा है सारा मसाले को अच्छे से मिक्स करके। ये देख सकते हैं गाइस, हमारा सारा हांडी जो है फिल होके आ चुका है। जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि कैसे फिल किया जाता है, अब उस पर डाला जा रहा है ढक्कन। ये देखिए उसके बाद फिर इसे आटा से जो है पैक किया जाएगा। ये देखिए तो सारा हांडी को जो अच्छे से पैक किया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हांडी के सारे हांडी पे जो कवर डाल दिया गया, उसके बाद किया जा रहा है पैक। ये देखिए आटे से अच्छे से पैक कर दिया जाएगा चारों साइड से। ये देखिए दो हांडी पैक हो चुकी है, तीसरी उधर हो रही है। उसके बाद चढ़ाया जाएगा इसे कोयले पर। ये देखिए एक वन बाय वन हमारी हांडी जो है चढ़ाया जा रहा है। ये देख सकते हो काफ़ी सारी क्वांटिटी में हांडी बनाया जा रहा है, उधर पैक किया जा रहा है, इधर ऊपर इसे चढ़ाया जा रहा है। अब हम पूरा जो है इसे कोयले पे जो भी स्पेस खाली है उसे पूरे अच्छे से फील किया जाएगा। ये देख सकते गाइस हमारा मटन जो है 75% पक चुका है। इसे देखिए एक बार कपड़े को जो है कपड़े से कढ़ाई को पकड़ा जा रहा है और ये देखिए उसे हाथ से अच्छे से हिलाया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो मटन है कि अगर पकड़ा अंदर का हांडी में अगर पकड़ रहा होगा तो वो जो है मटन छोड़ देगा, चारों साइड जो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये भी एक अलग ही कला है गाइस, इसकी हांडी में पैक करके मटन बना देना। ये देखिए, ये देख सकते हैं ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा जब तक ये सारी हांडी को एक बार हिला ना दे सब कुछ। हांडी को जो है 75% मटन को पकने के बाद खोला गया है। ये देखिए 75% मटन जो हमारा पक चुका है। अब इसे अच्छे से चारों साइड से चलाया जाएगा, जो भी मटन अंदर वाला होगा वो ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला अंदर। अब जो भी रेस्ट पकना बाकी है पहले से अच्छे से मिक्स किया जाएगा सारे मसालों को एक बार। जब ये मटन 75% पक जाती है, हांडी एक बार चढ़ाया जाता है, फिर 75% मटन कुक होने के बाद उतारा जाता है। उसके बाद ये देख सकते हैं भैया जो इसे अच्छे से एक बार चढ़ा रहे हैं। ये देखिए इसे आटे से जो अच्छे से पैक किया जा रहा है। ये देखिए तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हांडी जो है पूरी रेडी हो चुकी है। ये देखिए पूरा हांडी बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए प्लेट भी लगने लगा। ये देखिए सारे पीसेज जो है पूरे वेट करके आपको यहाँ पे मिलेगा हांडी मटन। बनने के बाद वेट होता है भैया? बनने के बाद वेट करके मिलता है। और आप जब से कितने बजे खुलते हैं अपना शॉप? 10 बजे से 10 बजे रात तक यहाँ पे हांडी बनते ही रहता है, है ना? तो फाइनली गाइस अब जो हमारा चंपारण का अहुना मटन आ चुका है, ये देख सकते हैं ये हम लोगों ने लिया है 250 ग्राम। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कैसा बना है हमारा चंपारण का अहुना मटन। तो पहले जो गाइस हम लोग लेंगे थोड़ी सी ग्रेवी। ये देखिए पूरा अभी मटन जो अभी गर्म है। ये देखिए ये लिया ग्रेवी, पहले इनकी ग्रेवी टेस्ट करें अहुना मटन का। ये देखिए चावल भी जो है पूरा गर्म है,
अवना मटन तो अभी हांडी से निकली है तो वो तो बिल्कुल पूरा गर्मी होगा। ये देखिए हमारी पहली बाइट जो है रेडी हो चुकी है ग्रेवी के साथ, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। ग्रेवी में जो है गाइस खड़ा मसाला का जो स्वाद है वो पूरा पता चल रहा है, मतलब इसमें जो है खड़ा मसाला जो डाला गया था मैरिनेशन के टाइम पे पीस के वो तो पूरा अच्छा आ रहा है, और इसमें जो थोड़ा सा घी डाला गया वो भी टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। चलिए मैं इनके आप पास लाएँ और इनकी पीसीज की क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसी पकी हुई है। ये देखिए ये हुई चाप वाली पीसेज, और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसी पकी हुई है। अभी मटन जो है थोड़ा गर्म है, ये देखिए इजली जो है देखिए टूट जा रहा है, मटन जो है हड्डी से निकल जा रहा है इजली। ये देखिए मटन थोड़ा गर्म है गाइस, इस वजह से सॉरी मैं आप लोगों को क्लियरली अच्छे से तोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए तीनों हड्डी में से मटन जो है निकल चुकी है, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। ये देखिए ये पीसेज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये थोड़ी ठंडी हो गई होगी। ये देखिए आप ये देख सकते हैं मटन जो हड्डी में से इजली छूट जा रही है। ये देखिए तो मटन जो है पका हुआ ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए एक बार मैं हम लोग पीसेस के साथ ट्राई करते हैं। ये रही हमारी पीसेस, पीसेस भी आ गए बहुत ही लाजवाब है, मतलब टोटली कह सकते हैं कि मटन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग भी अगर पटना रहते विजिट कर रहे हैं कि अच्छा सा अवना मटन खाना चाहते हैं तो आप लोग भी चंपारण, ये जो तारामंडल वाला चंपारण है हम लोग जो एड्रेस जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप लोग भी अगर अच्छा सा अवना मटन खाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे हम लोग फ्रिज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर हमें फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ जाकर हमें फॉलो, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।